साथियों नमस्कार, संस्कृत प्रतिभा खोज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत प्रतिभा खोज के विषय में कुछ चर्चाएं करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रतिभा खोज में संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और संस्कृत गीत वाचन प्रतियोगिता, संस्कृत गद्य वाचन अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता क्या है और इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। तो हमारे बीच में श्रीमान जगदानंद झा महोदय उपस्थित हैं। हम सर से ये निवेदन करते हैं कि सर थोड़ा सामान्य जो संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है इसको संक्षेप में बताने का कष्ट करें। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी विषय में इनरोल्ड छात्र हो जी, वह इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है जी। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में, जैसा कि नाम से ही है, संस्कृत के सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जी। यह जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर 3 जगह तक आयोजित होती। तो जनपद में यह भाषा दक्षता उसमें पूछी जाती सामान्य ज्ञान के रूप में जी। बच्चा कितना संस्कृत भाषा में दक्ष हो पाया है, कितना समझ पा रहा है जी, इस प्रकार के प्रश्न जनपद स्तर के प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं जी। और सर इसमें जो प्रतियोगिता के लिए जो भी सामग्री है, जो मटेरियल है, तो वो छात्रों का ये प्रश्न है कि मतलब हम लोग कहाँ से इसको देखें या कौन से पुस्तक पढ़ें, तो इन प्रश्नों पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। यह जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है इसमें लगभग वही प्रश्न होते हैं जो कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम, संस्कृत की जो पुस्तक है पाठ्यक्रम के रूप में है, इसमें जो पाठ्यक्रम का हिस्सा जितना भाग होता है उसी को सामान्य ज्ञान के रूप में हम लोग प्रश्न बना करके पूछते हैं जी। तो बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, यदि कोई कक्षा 8 का छात्र है तो वह 6-7 में भी संस्कृत पढ़ा होगा, तो एक बार 6-7 में जो संस्कृत की पुस्तक है उसको पलट करके देख ले जी। और upsanskritpratibhakhoj.com पर प्रश्न पत्र का नमूना दिया हुआ है, जनपद स्तर का भी है वहाँ, मंडल स्तर का भी है और राज्य स्तर का भी है। तो तीनों स्तर के प्रश्न पत्र के नमूने जो पीछे साल पूछे गए, जिस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो वो वहां दिया हुआ है, प्रश्न है, उत्तर है, वहां से भी मिल जाएगा। कोई न कोई छात्र किसी न किसी विद्यालय में है जो प्रतिभागी है, वो अपने अध्यापकों से भी पूछ सकता है जी, जी। उनसे जानकारी ले सकता है जी। और भी बहुत सारे आप उन छात्रों के आसपास में संस्कृत पढ़े हुए लोग होंगे, तो सबसे पहले संस्कृतप्रतिभाखोज.com पर जाए, प्रश्न पत्र का जो नमूना है डाउनलोड कर ले और देख ले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। उसमें शब्दकोश और व्याकरण के सामान्य से व्यावहारिक जो नियम होते हैं जिससे हम अनुवाद करते हैं, वाक्य बनाते हैं संस्कृत में, तो उसी प्रकार के प्रश्न उसमें होते हैं जी। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि जैसे समाज में एक आम धारणा है कि अनुभवी व्यक्तियों से हमको प्रेरणा मिलती है, तो जो प्रतिभा खोज में भाग लेने वाले छात्र हैं उनका कहना यह है कि जो पिछली वर्ष प्रतियोगिता में भाग लिए थे, जो जीते थे, स्थान प्राप्त किए थे, तो क्या उनसे संपर्क करने का कोई माध्यम है जिससे हम उनसे उनके अनुभवों को आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी। क्योंकि जो पीछे साल जनपद में, मंडल में और राज्य में इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं जी, तो जरूर तैयारी किए होंगे। हाँ जी, जरूर उनके पास मटेरियल होगा और सारे टिप्स उनके पास मौजूद हैं जी। संस्कृत प्रतिभा खोज पर आर्काइव मीनू बटन है। अच्छा। और गत वर्ष जनपद में जो प्रतियोगिताएं हुई उसके जो विजेता रहे हैं उनके नाम, विद्यालय के नाम, फोन नंबर, सब कुछ मौजूद है। यदि कोई छात्र किसी जनपद का हो और अपने जनपद का, हो सकता है उसी के स्कूल का कोई विजेता छात्र हो, हाँ जी जी, तो उनसे संपर्क कर ले और उनको सहयोगी के रूप में ले ले, प्रतियोगिता की तैयारी वहां से भी वो कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रतियोगिता है, खेल खेल में जो संस्कृत है उसी प्रकार का है,
और इसका उद्देश्य यही है कि संस्कृत की सामान्य जानकारी बच्चों को हो जाए और अपने पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से वो पढ़ ले। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी जो बोर्ड हैं जी, इस बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में जी, या बोर्ड द्वारा जो अप्रूव्ड बुक्स होते हैं संस्कृत के, इन सारे किताबों में जो पाठ हैं, जो पढ़ाई होती है, उन्हीं को लेकर के ये प्रश्न सामान्य ज्ञान में बना दिए जाते हैं जी, और वही प्रश्न होते हैं। इतनी ही बात यदि कोई छात्र अपने शिक्षक को कहता है, वो समझ जाएंगे कि इस छात्र को क्या चाहिए और नमूना प्रश्न पत्र है ही। अच्छा अच्छा, तो दर्शकों आज हम लोगों ने संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विषय में चर्चा किया है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होंगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।